देखिए आज कोर्ट ने सभी लोगों को जो राज्य के लोग थे उनको तलब किया, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स उसका वायलेशन किया, अंतिम संस्कार करना उनका मौलिक अधिकार है, उस परिवार से आपने उनका अधिकार छीना, और साथ ही साथ इस चीज़ को आप बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हो जाता। तो नाइट में हम सभी लोगों ने वीडियोज़ देखे थे, मीडिया भी काफ़ी दूर से कवर कर रहा था कि वहाँ पर परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, लेकिन उनका कहना है कि उनके कंसेंट से हुआ, परिवार का कहना हमारा कोई सदस्य नहीं था वहाँ पर। तो अब कोर्ट जो राज्य है स्टेट है उन्होंने टाइम मांगा है, 2 नवंबर की अगेन हियरिंग है, देन उसमें वो लोग अपना परिवार ने क्या बातें रखी पुलिस के रवैये को लेकर, जिला प्रशासन के रवैये को लेकर? बिल्कुल देखिए परिवार की जो उन्होंने भी अपनी बात रखी कि डीएम साहब का कहना था कि अगर आपकी बेटी कोविड से मर जाती तो क्या कंपनसेशन मिलता, तो परिवार का कहना है कि इस तरीके से आप किसी के साथ क्राइम होगा, कंपनसेशन से क्या आप वो भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक तो बेसिक लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होता तो वो बेटी नहीं मरती, लॉ एंड ऑर्डर पहले फेल था इसलिए ये क्राइम हो सका, और क्राइम वो हुआ उसको आप नहीं रोक पाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्राइम किया है उसका रात में अंतिम संस्कार करके। तो ये सारी सरकार ने अपना पक्ष में क्या बचाव में क्या कहा? सरकार ने टाइम मांगा।